इमाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, कुछ बातें मेरे ख्याल से इस पे हो भी गई है कि कुछ यंग प्लेयर और कुछ सीनियर प्लेयर्स, क्योंकि अक्सर जब इवेंट आता है तो इवेंट के लिए ही प्रोसेस बनती है, हमारी टीम उसी तरह देखी जाती है। तो अलहमदिल्ला जिस तरह अगर लास्ट हमारा देखा जाए वर्ल्ड कप, तो उसमें से चेंजेस अभी है। अभी यंग टैलेंट हमारे पास आया हुआ है, चैंपियंस कप से कुछ लड़कों के लिए हुआ है, काफी परफॉर्मर है। और जहां तक सीनियर प्लेयर्स की बात है, ओब्वियसली कि जैसे आपने इमाम फखर की बात की है कि उसने हमारे पाकिस्तान वाइड बॉल में काफी टॉप परफॉर्मर है वो, और उसकी कमी हमारे पास हर एक प्लेयर की सूरत में होती रहती है। मगर हम इस तरह जो कोशिश कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी देख रही है कि बैलेंस कहाँ पे आ जाता है उसके लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश करके हमारी टीम एक अच्छी सूरत में आ जाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सामने जहां तक आकिब भाई की बात है, तो नो डाउट उसके जो डिसीजन थे हम लोग पाकिस्तान के फेवर में चले गए, जैसे हमने इंग्लैंड से सीरीज जीता है, क्योंकि ये जो आवाज था मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से भी लग रहा था। टफ कंडीशन है किसी भी मुल्क के लिए, तो वहां पे आकिब भाई ने पिजे उसके हाथ में नहीं है, ऐसी चीज उसके हाथ में नहीं है, मगर जो उनकी चीजें हाथ में थी, तो हमने काफी अच्छी मशावरत के साथ अभी 8-8 घंटे लगाए इस पे कि हमने टीम बनाने में, तो हमने इस अपना किरदार अच्छी तरीके से अदा किया। बाकी हम प्लेयर पे डिपेंड करता है कि हम जाके अपनी पूरी मेहनत करेंगे और रिजल्ट अल्लाह से मांगेंगे। बात की इसमें डाउट ही नहीं है कि फखर जमान इम्पैक्टफुल हमारा पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप प्लेयर है, क्योंकि फखर जहां पे भी होगा वो एक तरफ ही मैच को बिल्कुल एक साइड पे ले जाता है। और आपने जब भी बड़े बड़े मैचेस देखे तो फखर ने वन साइडेड मैचेस को एक साइड पे लगाया हुआ है, तो हमारे पास सब फखर जमान जैसा प्लेयर इम्पैक्टफुल है। मगर जहां तक डिसीजन की बात है, तो वो कोई डिसीजन हमारे पास नहीं होते, वो मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी के पास हो रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं, तो उसमें जरूर बात हुई है। मगर सबके सामने है कि उसके डिसीजन में जो उम्मीद है इंशाल्लाह कि जल्दी उनके आपस में जो चीजें हैं वो सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये है कि जब आप पाकिस्तान का शर्ट पहनते हैं या पाकिस्तान की सतह पे आते हैं, तो आप सोचते हैं कि जो भी तेरे साथ हो, जिस टाइम की भी हो, जैसे भी हो, वो आप उसके साथ अपने आप को कंबाइन करें और पाकिस्तान के रिजल्ट निकालने की कोशिश करें। और जहां तक ये डिसीजन है, मुझे डिसीजन का बिल्कुल भी नहीं पता, ये बोर्ड और मैनेजमेंट के हवाले से है कि वो जिस कोच को लाना चाहते हैं या दरमियान में क्या बात हुई है, मुझे इस हवाले से कुछ भी नहीं पता। और जहां तक हमारी अपनी जो राय होती है, तो हम अपनी राय हर किसी के सामने रख सकते हैं, किसी भी कोच के हवाले से, किसी भी प्लेयर के हवाले से, कि ये होगा तो ऐसे बेस्ट हो सकेगा, क्योंकि हमारे पास तो हमने इस सूरत में है कि हमने हर बंदे में हमें देखा है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं कि मैं आऊंगा और मेरे आते ही सारी चीज एक धमाका हो जाएगी, चीज डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि मेरे से पहले भी चीजें बेस्ट हो रही थी। जहां मुझे लग रहा उस टाइम मेरे माइंड के मतलब जहां मुझे लग रहा कि यार ये कमी बेशी है, तो हमने उसी को ठीक करना है। अगर अभी आप सब हम आकिब भाई की जो उसने जो चीज की है, तो आप वो चीज सिर्फ देख लेंगे क्या थी, वो एक ऐसी चीज थी कि बिल्कुल डिफरेंट थी हमारे पाकिस्तान टीम के लिहाज से। अगर हमारी टीम देखा जाए तो हमारी यंग थी उस टाइम जो चेंजेस में हुए, मगर उसने सारे जो सिचुएशन है उसको क्रिएट किया है जो इंग्लैंड के अगेंस्ट चल रही थी, जो स्पिन कंडीशन तैयार की, अप एंड डाउन कंडीशन तैयार की। तो ये हम इन्हीं चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, जहां पे हमारे पास बड़े इवेंट है हम जाएंगे वहां पे देखेंगे कि क्या है, हमारे ओपनिंग सूट यही सूट करेगा, हमारे पास चेंजेस है तो फिर चेंजेस होंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम सब फ्लेक्सिबल रहे, जो कंडीशन डिमांड कर रहे, सिचुएशन डिमांड कर रहे, पाकिस्तान के लिए बेहतर उस पर हम जाएंगे इंशाल्लाह।